तो अब हम बात कर लेते हैं अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के केस के अंदर एक पर्सन के सामने दो पॉजिटिव गोल्स होते हैं, दो पॉजिटिव टारगेट होते हैं। दो पॉजिटिव टारगेट्स होने का क्या मतलब है कि उन दोनों गोल्स का सेम इंपॉर्टेंस होता है। मतलब एक पर्सन पहले वाले गोल को जितनी इंपॉर्टेंस देता है, दूसरे वाले गोल को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है। पर उसके सामने प्रॉब्लम ये होती है कि कौन से गोल को एक्सेप्ट करे और कौन से गोल को रिजेक्ट करे। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन के पास दो जॉब्स के ऑफर हैं, दो नौकरियों के ऑफर हैं। अब उन दोनों नौकरियों के प्रति, उन दोनों जॉब्स के प्रति उस इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड है। मतलब पहले वाली जॉब को भी वो उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है जितनी वो दूसरी जॉब को इंपॉर्टेंस दे रहा है। पर उस इंसान के सामने प्रॉब्लम ये है कि कौन सी वाली जॉब को वो सिलेक्ट करे और कौन सी जॉब को वो रिजेक्ट करे, क्योंकि एक इंसान एक वक्त पर दो नौकरियां तो कर नहीं सकता। अगर वो पहले वाली जॉब को सिलेक्ट करता है तो बाकी की जॉब्स के सिलेक्शन को उसे छोड़ना पड़ेगा। तो अब यही बात उसके सामने परेशानी का कारण है कि दो जॉब्स जो उसके सामने है उसमें से कौन सी जॉब को वो सिलेक्ट करे, कौन सी जॉब को वो रिजेक्ट करे। तो यही बात जब एक इंसान के भीतर परेशानी का कारण खड़ा करती है, जब एक इंसान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम नेम देते हैं अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जब एक इंसान के सामने दो गोल्स तो हैं पर वो दोनों गोल्स पॉजिटिव नेचर के हैं, जिसकी उस पर्सन के लिए सेम इंपॉर्टेंस है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ और टॉपिक्स भी देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीओबी के नेम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, तो आप इस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो बाकी के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट वीडियोस का प्लेलिस्ट और भी है जो कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इसमें, आप ये भी देखिएगा। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।